मर्यादा के निष्कलंक जीवन के साथ राजनीति करने वाले मर्यादा पुरुष आदरणीय नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे राष्ट्रीय नेता का हम स्वागत करेंगे, माननीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, जरा जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जन आशीर्वाद यात्रा के प्रारंभिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी, हमारे इस चुनाव प्रबंधन को देख रहे भारत सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत सरकार में मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी, हमारे राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, गणेश सिंह जी, सतीश शर्मा जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, विजेंद्र प्रताप सिंह जी जो यात्रा के कार्य देख रहे हैं, संयोजक हैं, मंच पर आसीन सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, और प्रभु राम के तपोभूमि पर एकत्र आए देवियों और सज्जनों जो जन आशीर्वाद यात्रा में जन आशीर्वाद देने के लिए आए, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु श्री राम के तपोभूमि पर आज इस जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह जन आशीर्वाद यात्रा ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई वर्षों से चल रहे अथक प्रयास, संकल्प, तपस्या और समर्पण का विषय को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लेकर के हम सब लोग चले, और इसीलिए इस जन आशीर्वाद यात्रा में 10,500 किलोमीटर का सफर करके 5 स्थानों से 230 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर के जो काम हमने गरीब कल्याण के लिए किया, जो काम हमने महिला सशक्तिकरण के लिए किया, जो काम हमने किसानों के कल्याण के लिए किया, जो काम हम लोगों ने युवाओं के उत्थान के लिए किया, जो काम हमने समाज के हर वर्ग को सशक्तिकरण के लिए दिया, उसको जन जन तक पहुंचाना और जन जन का आशीर्वाद लेना, इस मकसद से जन आशीर्वाद यात्रा की प्रारंभ की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता का पूरा आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, और उनके आशीर्वाद से हम इस सफल कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले विधानसभा के चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे और मध्य प्रदेश की सेवा में फिर से जुट जाएंगे, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता को यह बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है,
और किस तरीके से मध्य प्रदेश आज बढ़ते हुए कदम के साथ एक उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं जिन्होंने यहां तक इस यात्रा को पहुंचाया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1998 में पहली बार प्रदेश में मंत्री बना था। उस समय मैं अपने प्रदेश में बहुत मेहनत करता था, लेकिन जब देश के आंकड़े आते थे तो उसमें कहा जाता था कि हम स्वच्छता में पिछड़े हैं, हम विकास में पिछड़े हैं, हम स्वास्थ्य में पिछड़े हैं, हम शिक्षा में पिछड़े हैं, हम महिलाओं के स्वास्थ्य में पिछड़े हैं, हर तरीके से हम पिछड़े हुए दिखते थे। तो मैं उस समय पूछा करता था कि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, मेरे प्रदेश के आंकड़े तो इतने उत्तम हैं, उसके बावजूद भी हम कैसे पिछड़े हुए। तो बताया जाता था कि कुछ बीमारू राज्य हैं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यह बीमारू राज्य विकास को नीचे खींच करके ले जाते हैं। लेकिन आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं 2023 में कि जो बीमारू राज्य थे उसमें से मध्य प्रदेश एक विकसित राष्ट्र के रूप, विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, एक विकसित प्रदेश के रूप। और सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 2002 में 11,171 रुपए थी, आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी साल की 1,40,000 रुपए हो गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे 2002 में 7,000 किलोमीटर की सड़कें बनी थी मध्य प्रदेश में, आज 2023 में 5,00,000 से ज्यादा किलोमीटर की सड़क मध्य प्रदेश में बन करके तैयार हुई। हमारे 2002 में मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 620 सीटें हुआ करती थी, 620 सीटें, आज 4,000 से ज्यादा मेडिकल की शिक्षा प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में हो रही है, यह भी हमको ध्यान में रखना है। हमारे यहां शिक्षण संस्थान कॉलेजेस 310 थे 2002 में, और आज 536 शिक्षण संस्थान एजुकेशनल कॉलेजेस बने हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना है। हमारे यहां इंडस्ट्री के नाम पर, उद्योग के नाम पर कुछ भी मध्य प्रदेश में नहीं था। मैं आपके सामने, युवाओं के सामने 20 साल पहले की तस्वीर खींच रहा हूं, और आज जहां मध्य प्रदेश में पहले 23 इंडस्ट्रियल एरिया थे, आज मध्य प्रदेश में 112 इंडस्ट्रियल एरिया में काम चला है और इंडस्ट्रीज लगी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में उद्योग सिर्फ 6% थे, 0.6%, 0.6%, आज मध्य प्रदेश में उद्योगीकरण 24% तक पहुंचा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास के साथ आज मध्य प्रदेश खड़ा हो गया, हर चीज में आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर एक पर खड़ा है देश में। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि जल संरक्षण में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में भी मध्य प्रदेश ने नंबर एक की बाजी मारी है और नंबर एक पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रसूति से लेकर के हर तरीके के बच्चों के विकास के लिए
जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर है और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर एक पर खड़ा है जबकि कमलनाथ ने इस आवास योजना को अपने शासन के समय में डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ ने आवास योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने ही नहीं दी थी, उसके बावजूद भी पिछले 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत करके मध्य प्रदेश को आवास योजना में नंबर एक पर पहुंचा दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये हमारी जिम्मेवारी है। बताइए नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश को नंबर एक पर पहुंचाओगे कि नहीं, पहुंचाओगे कि नहीं, कमल खिलाओगे कि नहीं, आगे बढ़ाओगे कि नहीं। मध्य प्रदेश को नंबर एक रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना मित्रों, ये आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया। मित्रों जब मैं आज 5G की बात करता हूं मोदी जी की, तो ये 5G क्या है? ये कनेक्टिविटी तो है ही, लेकिन ये ग्रोथ का इंजन है, ये गुड गवर्नेंस का इंजन है, ये गुडविल का इनर्जेंस है, ये गारंटी की जिम्मेवारी है और ये गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ 5G है। इसके लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां मध्य प्रदेश के भी नेताओं ने जनता तक विकास को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यह भी आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। मित्रों हम लोग समर्पित हैं, संकल्पित हैं, किस बात के लिए? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए हम संकल्पित हैं। और हमारी तमाम योजनाएं, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, आज गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 13,50,00,000 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल करके मध्य वर्ग में पहुंच गए हैं, ये भारत की बदलती तस्वीर है। ये गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 80 करोड़ की जनता को भूखे रहने से बचाने का काम मोदी जी ने किया, आज कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता है। इसलिए अति गरीबी भारत में 0.1% से भी कम हो गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की, तो जहां 9.5 करोड़ हमारे गरीब बहनों को गैस का सिलेंडर दिया गया, चूल्हा दिया गया, वहीं अभी राखी के अवसर पर पहले 200 रुपए का छूट और फिर से 200 रुपए की छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया और बहनों को एक तरीके से उनको तोहफा देने का और उनको बहनों को याद करने का काम किया। मित्रों अगर मैं विकास की बात करूं, तो आज भारत 11वें नंबर से आर्थिक व्यवस्था में छलांग लगा करके 5वें नंबर पर खड़ा हो गया। और मित्रों आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा, ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। इसको लेकर के हमने आगे बढ़ना। आपने कभी सोचा था 9 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, आज जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब एप्पल भी इंडिया में बनता है, 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है, यह परिवर्तन आया है। अगर मैं बात करूं
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है, स्टील में दूसरे नंबर पर खड़ा है, और दुनिया में जब आर्थिक मंदी है तो भारत एक आशा की किरण के साथ सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम आपके सामने, आज हमारे लिए खुशी की बात है, हम चंद्रयान पर हमारा सैटेलाइट लैंड कर गया, कल हमारा आदित्य L1 सक्सेसफुल लॉन्च हो गया, और वो 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 5 साल तक सूरज की पूरी अध्ययन करके जमीन पर हमें बताएगा। इसरो के साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई जो आज चंद्रमा और सूरज को जीतने के लिए काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद मिला है, इस तरीके की परिस्थितियां खड़ी हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश भी विकास में कोई कमी नहीं कर रहा है, रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एयरवेज, रेलवेज, सब में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। आपको जानकर खुशी होगी कि 34 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के सबसे मॉडर्नाइज होकर के 2 साल में तैयार हो जाएंगे, और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास कुछ ही दिन पहले किया है, यह भी हम सबको मालूम है। अगर मैं बात करूं हमारे हाईवेज की, तो 33,000 करोड़ रुपए सिर्फ हाईवे पर खर्च हुआ है, और चंबल का एक्सप्रेस हाईवे, उस पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, नर्मदा के एक्सप्रेस हाईवे पर लगभग 31,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसी तरीके से इंदौर से भोपाल तक मेट्रो के लिए 710 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह है विकास की कहानी, यह है विकास को आगे बढ़ाने की कहानी। बताइए, ऐसे जन आशीर्वाद यात्रा को आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद आप हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप करेंगे तो जिन बातों के लिए शिवराज जी ने कहा, लाडली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं का सशक्तिकरण, लाडली बहना योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण, समाज को विकसित करने का रास्ता, इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आज 14 मेडिकल कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए, और मुझे खुशी है गणेश सिंह जी, मेरे ही स्वास्थ्य मंत्री काल में आपको भी मेडिकल कॉलेज मिला मोदी जी के आशीर्वाद से, और यहाँ की जनता को वह समर्पित हुआ है, इसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूँ। उसी तरीके से हमारे शिवपुरी के हमारे ज्योतिरादित्य जी बैठे हैं, उनसे पूछिए कि किस तरीके से उनका मेडिकल कॉलेज से वो वंचित हो गए थे, उनको भी मेडिकल कॉलेज देने का प्रयास किया है। हमने तो छिंदवाड़ा में भी मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, हमने तो खांडवा में भी मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, हमने तो दतिया में भी, रतलाम में भी और सतना में भी मेडिकल कॉलेज को खुलवाने का काम किया। इसलिए विकास की नई नई कहानियां हम सब लोगों ने रची हैं। फिर चाहे अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे अमरकंटक हो, 100 करोड़ रुपए की लागत से इन स्थानों को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और शिवराज जी उनको धरती पर लगा रहे हैं। मित्रों, मैं अगर विकास की कहानी कहूंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात मैं गारंटी से कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश मुख्य धारा में है। शिवराज जी ने जहां इसका विकास किया, बीजेपी की सरकारों ने जहां इसका विकास किया, वही विनाश करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद है ना कमलनाथ का, करपनाथ का की सरकार याद है आपको? आपको याद है कि नहीं है? आपको याद है कि नहीं है कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या?
अगर नहीं चाहिए तो जागरूक होकर के कमल के निशान को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका होगा, ये आपको इसकी चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, अभी मैं जब यहां बैठा हूं, मेरे पीछे राजेंद्र शुक्ला जी बैठे हैं। कभी सोचा था कि 750 मेगावाट का जो सबसे बड़ा हमारा एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट वो कभी लगेगा? एशिया का कहां लगा? मध्य प्रदेश में लगा। कहां लगा? रीवा में लगा। ये है प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के प्रति सोचने का तरीका और उसको विकसित करने का तरीका। मित्रों, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो 50% लोकल सेल गवर्नमेंट में उनको रिजर्वेशन दिया गया। हमारे टीचर्स के रिक्रूटमेंट में उनको 50% की रिजर्वेशन दी गई और हमारे पुलिस के रिक्रूटमेंट में 33% की रिजर्वेशन महिलाओं को दी गई है। ये आज विकसित महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है कि कैसे मध्य प्रदेश विकसित हो सकता है और करना है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा और वो बड़े दुखी होकर के और आक्रोशित होकर के आपसे मैं एक विषय की चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, हम लोग तो देश के काम में जुटे हैं। ये एनडीए का गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बढ़ाने के लिए लगा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, एक ऐसे विषय के बारे में आपसे चर्चा करनी है जिससे सारा भारत आक्रोशित है, आक्रोश में है और उसके साथ साथ पीड़ा में। अभी मुंबई में कुछ परिवारवादी गठबंधन के सदस्य लोग इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, ये कौन सा अलायंस है? इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, जब हम लोग एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसके लिए लगा है, जब भारत आने वाले G20 में 8-9 तारीख को दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भारत में पहली बार एकत्र आ रहे हैं और जब भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वो हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक DMK, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? ये मित्रों, और क्या कहता है उदयनिधि स्टालिन? कहता है कि एंटी सनातन नहीं, एबॉलिश सनातन, मतलब सनातन धर्म को जड़ मूल से समाप्त कर दो। जिस प्रकार उदाहरण क्या देता है सुन लो, उदाहरण देता है कि जैसे मच्छर
जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू, जैसे कोरोना, इसको हम समाप्त करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म को समाप्त कर दो। ये है परिवारवादी घमंडिया गठबंधन का घमंड, और वो इस तरीके की बेतुकी बातें कहने में कोई गुरेज नहीं करते। आप बोलिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बात कही है, ये कब कही? ये तब कही जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। क्या यही रणनीति तैयार हुई है? क्या इंडी अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन के नफरत का सामान कहां बिक रहा है? ये नफरत का सामान कैसे बिक रहा है? और ये हिंदू विरोधी सनातन विरोधी चेहर आप जो वहां पर पैदा कर रहे हैं, यही क्या आपकी मोहब्बत की दुकान है? मैं ये इंडी अलायंस और घमंडिया गठबंधन से सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, मुझे जवाब चाहिए और देश को जवाब चाहिए कि जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है, वह इंडी अलायंस का और घमंडिया गठबंधन का रणनीति का राजनीति का हिस्सा है? क्या वह रणनीति बनी है? और क्या आपने मुंबई में यह रणनीति बना करके आप उतरे हैं? और मेरा दूसरा सवाल है कि क्या आप आने वाले चुनाव में आप सनातन धर्म को समाप्त करने की राजनीति के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं? अगर आप जाने वाले हैं, और अगर नहीं, आपने तय किया है कि कुछ भी भारत से जुड़ा हुआ हो, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का सनातन धर्म, भारत की सोच, भारत का गौरव इतिहास, इससे आपका कोई लगाव नहीं है, और आपकी मोहब्बत की दुकान नफरत फैलाने वाला कार्य कर रहा है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा यहां जहां आप जन आशीर्वाद यात्रा में आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वहीं आप संकल्प लें कि ऐसे इंडी अलायंस को आप जमीन से उखाड़ करके फेंक देंगे ना? आप जमीन से उखाड़ के फेंकेंगे ना? इनको रहने का अधिकार है क्या? ऐसी विचारधारा को रहने का अधिकार है क्या? ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के बजाय नफरत फैलाने वाली दुकान को बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, यही आवश्यक है, और इसलिए आपको दो तरफ से काम करना पड़ेगा। एक, अच्छे काम को बढ़ाना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये जो घृणा फैलाने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म पर आघात करने वाले लोग हैं, इनको घर बैठाना पड़ेगा, और भारत देश को आगे मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने में हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका प्रेरक उद्बोधन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। अब मैं